स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 ए सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि ये हाफ ईयरली में भी आने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें तीन पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ रेक्टेंगुलर एक्सेस, स्केल देम फ्रॉम 0 to 18, फिर प्लॉट करना है पॉइंट ए बी सी डी कि 3,4, 9,4 और सी 9,6 और डी 3,6, फिर ज्वाइन करना है पॉइंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ताकि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो, फिर ट्रांसफॉर्म करना है ईच ऑफ द पॉइंट को एक्स वाई ऑन द पॉइंट्स एक्स वन वाई वन बाई द ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक्स वाई रहेगा वो ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि एक्स वन वाई वन क्या होगा, एक्स वाई का ट्वाइस होना है। देखो यहाँ रिलेशनशिप दिया हुआ है। फिर लेबल करो इमेज को जो एक्स वन वाई वन से बना है, तुमको मिला है a1 b1 c1 d1 टू करिस्पॉन्ड विथ ए बी सी डी। फिर अब सवाल पूछ रहा है, ये सब तो तुमको ग्राफ में बना देना है, बनाएंगे हम अभी। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इमेज व्हेन यू कंपेयर विद द करिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, तो क्या तुमको समझ में आता है कंपेयर करने पे। फिर नेक्स्ट वाला है कि आर द रेक्टेंगल सिमिलर इन शेप, तो बिल्कुल ही सिमिलर होगा क्योंकि देख ही रहे हो एक्स वाई है, तो डायरेक्टली बस उसका डबल डबल कर देना है तो वो भी रेक्टेंगल ही मिलेगा। फिर रेशियो बताना है एरिया ऑफ इमेज ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश सॉरी डैश नहीं वन है अपॉन में एरिया ऑफ ओरिजिनल ए बी सी डी, तो दोनों ही रेक्टेंगल बनेंगे तो दोनों रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ से हम निकाल देंगे। और लोवेस्ट टर्म में बताना है ना कि इवन डिडक्ट होगा तो डिडक्ट भी कर देना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। सबसे पहला काम हमारा क्वेश्चन में क्या होगा कि हम प्लॉट कर देंगे, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी। अब क्या क्या दिया हुआ है एक बार देख भी लेते हैं। 3,4 है, फिर 9,4 है, फिर 9,6 है और फिर 3,6 है, ठीक है। तो ये सीरियल वाइज है ए बी सी डी। और फिर रेशियो स्केल क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो रेशियो स्केल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अरे भाई कितना गुना उसको बढ़ाना है, तो x y के लिए दिया हुआ है रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन 2x, 2y, ठीक है, सीधे ट्वाइस कर देना है, डबल कर देना है हमको। तो ये रेशियो देख रहे हो कि i दैट इज ये कितना है 1:2 का रेशियो, ठीक है, दुगना का रेशियो है। अब यहाँ पे जो नए पॉइंट्स निकलेंगे a1 वो क्या निकलेगा तुम्हारा ट्वाइस, यानी कि 2 3 6 और 2 4 8। फिर b1 क्या निकलेगा, b का डबल 18,8। फिर c1 क्या निकलेगा आपका 18,12, 9 2 18 6 2 12। और फिर d 3 2 6 और 2 6 12, 6,12 निकल गया। अब इनको भी क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे टू फॉर्म रेक्टेंगल a1 b1 c1 d1, ठीक है। तो ये पुराना जो x और y दिया है तो बस ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस x ट्वाइस y, ट्वाइस x और ट्वाइस y हो गया। अभी इसके अंदर ना पहले ग्राफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बाकी सारे आंसर्स निकालेंगे। तो ये हमारा ग्राफ है, उम्मीद करते हैं लेजिबल होगा आपको। सबसे पहला पॉइंट है 3,4, तो सबसे पहला पॉइंट 3,4 मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये किसके लिए है, ये ए के लिए है, ठीक है। 3 देखेंगे एक्स एक्सिस पे, फिर 4 तक जाएंगे वाई एक्सिस के इधर। अब दूसरा पॉइंट था 9,4, तो 9 है और 9 पे कितना है 9,4, सेम लेंथ पे यहाँ पे लग जाएगा। और ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है पॉइंट बी। फिर इसके बाद सी पॉइंट क्या था 9,6, यानी 9 पे ही 6, तो बस 2 स्टेप ऊपर आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 9,6। और फिर लास्ट में क्या था 3,6, तो डी ये सी पॉइंट है आपका और इसके बाद डी पॉइंट क्या है 3,6, इसी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेस ज़्यादा नया ले, इसके लिए हमने 2 लिया है, बाकी आप
एक सिंगल से भी कर सकते हो, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे अब। तो इसको ज्वाइन करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें एक रेक्टेंगल ही मिल रहा है और ये हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स जो है दो यूनिट के बराबर है। अब यहाँ पे ए बी सी और ये डी हमने लगा लिया। अब इसके बाद ए वन इसका जस्ट डबल है यानी 6.8, तो 6 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा ए वन जस्ट उसका डबल। फिर उसके बाद बी वन लगाएंगे तो 18.8 है, तो यहाँ 18 है और 18 पे 8 यहाँ आएगा, तो ये बी वन आ गया आपका 18.8। फिर सी है 18.12, 18 पे 12, 12 यानी यहाँ आएगा, ये आपका हो गया सी वन। इसके बाद डी वन की बात करें तो कितना था, 6.12, 6.12 ये आपका डी वन हो गया। अब इसको भी हमको क्या कर देना है, इसको भी ज्वाइन कर देना है। ग्राफ के कुछ ही क्वेश्चंस हैं इसमें, बाकी सब जब स्केल फैक्टर पे आएगा तो वो इजीली न्यूमेरिकल होगा, सॉल्व हो जाएगा, इतना ज़्यादा ग्राफिकल नहीं होगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डायग्राम। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस हमसे पूछ रहा है, अब उसका हम आंसर्स लिखना शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन इसमें यहाँ पे हमसे कह रहा है कि What do you notice about the length of each side of the image when you compare it with the corresponding original? तो compare करने पे 1:2, देखो लिखा ही था हम लोगों ने कि 1:2 आ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि length of A1, B1, C1, D1 is double of length of रेक्टेंगल ए बी सी डी, जस्ट उसका जो है डबल हो जा रहा है। फिर आगे पूछ रहा था आर द ट्रेंगल सिमिलर इन शेप, ये पहला आंसर हो गया, तो सेकेंड वाला हाँ जी बिल्कुल यस, ये दोनों ट्रेंगल हैं शेप में, सिमिलर एंड इन रेशियो, कौन से रेशियो में, 1:2 के रेशियो में, बस क्या हुआ है जस्ट डबल हो गया है, वो भी रेक्टेंगल ही फॉर्म हुआ। फिर लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा था रेशियो इन एरिया, तो रेशियो इन एरिया, ऊपर में एरिया किसका लेना है, एरिया ऑफ इमेज A1 B1 C1 D1 होल अपॉन में कर देंगे एरिया ऑफ इमेज, नहीं यहाँ पे ओरिजिनल लिख लो, ओरिजिनल ABCD। अब दोनों का ही एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा इसके लिए भी, तो L1 B1 लिख देते हैं और यहाँ पे L×B लिख देते हैं। अभी आएंगे हम अपने ग्राफ में और ग्राफ में काउंट करेंगे कि ब्रेथ कितना है 1 यूनिट 2 यूनिट और लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ओरिजिनल वाले के लिए 6 लेंथ है और 2 यूनिट क्या है इसका, ब्रेथ है। फिर आएंगे हम अपने इमेज वाले पे, इमेज वाले में देखो लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यूनिट है और ब्रेथ कितना है 1 2 3 4 4 यूनिट है, यानी कि 12 यूनिट लेंथ हुआ और 4 यूनिट ब्रेथ हुआ। अब यहाँ से बोला था आपको कि लोवेस्ट वैल्यू में निकालना है, तो 2 1 जा 2 2 जा 6 1 जा 6 2 जा, रेशियो कितना आ गया 4:1 आ गया, एंड दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट 1 ऑन द लेंथ ऑफ द साइड सेकंड ऑन द एरिया ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो फर्स्ट का सेकंड पे क्या एरिया ट्रांसफॉर्मेशन पे होगा, लेवल करना है इमेज A1 B1 C1 D1 टू करिस्पॉन्ड विथ ABCD के। विच ट्रांसफॉर्मेशन वुड मेक द एरिया ऑफ द इमेज 16 times द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। फिर कह रहा है कि विच ट्रांसफॉर्मेशन वुड मेक द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इमेज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द करिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल।
फिर उसके बाद क्या रहा है कि रिमेंबर दैट द एरिया ऑफ टू सिमिलर फिगर आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एनी टू करिस्पॉन्डिंग साइड, थ्योरम थी ऑन पेज नंबर इतना इतना। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम लोग। तो देखो टू का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं कि सिंस एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, 3x 3y दिया हुआ है। ठीक है, तो देयर फोर जो इमेज होगी, द इमेज a1 b1 c1 d1 जो होगी इज 3 times, 3 गुना होगी इन लेंथ ऑफ फिगर ए बी सी डी, 3 times होगी। जैसे अभी इससे पहले वाला जो है ना 2 times किया था ना, इसी तरह से अगर कोऑर्डिनेट दिया होता तो हम 3 time कर लेते, यानी 3, 4 का क्या आ जाता, 3, 3 जा 9 और 4, 3 जा 12 आ जाता, तो कितना आ जाता, 9, 12 आ जाता। उसी तरीके से बाकी सबका कोऑर्डिनेट 3 times हम बढ़ा लेते अगर कोऑर्डिनेट दिया होता, कोऑर्डिनेट दिया नहीं है। तो लिख दिया हमने पहला कि लेंथ ऑफ साइड्स पे क्या होगा। दूसरा बात पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, ऑन द एरिया ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एरिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना वो स्क्वायर के इक्वल होता है, तो देयर फोर एरिया जो हो जाएगी, एरिया का जो रेशियो होगा a1 b1 c1 d1 अपॉन में abcd वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3/1 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/1 हो जाएगा। ये एरिया के ऊपर इफेक्ट होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि विच ट्रांसफॉर्मेशन वुड मेक द एरिया ऑफ इमेज 16 times, 16 गुना कब होगा। तो देखो 9 times हो रहा है जब 3 गुना हो रहा है, तो देयर फोर एरिया ऑफ इमेज इज 16 times ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, और ऐसा कब होगा, जब आपका एक्स वाई जो है 4 times हो जाएगा x, y के, यानी कि कह सकते हो आप कि 4x 4y होगा, तब ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे में आप देख लो फिर 4:1 का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16:1 आ जाएगा। तो कितना होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, 4x 4y। फिर उसके बाद बोल रहा है कि विच ट्रांसफॉर्मेशन वुड मेक द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इमेज हाफ, हाफ बनाना है ना बस, तो हाफ के लिए हम हाफ कर देंगे। तो हाफ के लिए लिख देंगे द इमेज इज हाफ द लेंथ ऑफ करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ओरिजिनल फिगर। तो देयर फोर क्या होना चाहिए, एक्स कॉमा वाई को हाफ कर देना होगा, यानी कि हाफ एक्स कॉमा हाफ वाई। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो लेंथ है वो कैसे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन फिगर 12.20.0 इज द सेंटर ऑफ द डायलेटेशन एंड द डायलेटेशन फैक्टर इज 3। यहाँ पे देखो वो सेंटर दिया हुआ है और डायलेटेशन फैक्टर दिया हुआ है कि 3 है। कंप्लीट करना है तुमको यहाँ पे प्री इमेज और यहाँ पे इमेज, यानी प्री इमेज यानी ओरिजिनल वाला है और ये प्री इमेज है। ए बी की यूनिट दी हुई है तो ए डैश बी डैश, बी सी की यूनिट निकालनी है अगर बी डैश सी डैश 18 आता है। इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, हर एक का वैल्यू हम निकालेंगे अभी, और जब वैल्यूज निकाल लेंगे ना तो उसके बाद हमको डिटरमाइन करना है लेंथ ओ ए डैश अपॉन ओ ए का, ओ बी डैश अपॉन ओ बी का, फिर ओ सी डैश अपॉन ओ सी का, ए डैश बी डैश, जितना भी दिया है सबका 1 by 1 हम अभी करते हैं। तो इसमें डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, स्केल फैक्टर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है तो स्केल फैक्टर से हम सारा निकाल लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि डायलेटेशन फैक्टर कितना दिया हुआ है, 3, यानी 3 times हो रहा है, ये 3 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा 3rd है। 3rd क्वेश्चन में जैसा वो दिया है वैसे ही हम भी करते हैं, टेबुलर फॉर्म में प्री इमेज और यहाँ पर हो जाएगा हमारा इमेज। अब प्री इमेज की बात करें
सबसे पहला वाला दिया हुआ है कि ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट। ठीक है, ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 5 यूनिट। उससे पहले देखो एक चीज़ हम छोड़ दिया हमने लिखना कि ओ इज सेंटर, कि ओ जो है हमारा सेंटर है, और ओ भी सेंटर किसका है, सेंटर ऑफ डायलेटेशन एंड डायलेटेशन फैक्टर जो दिया हुआ है इज 3। ये 3 दिया हुआ है, तो दैट इज इसका मतलब क्या करना होगा हमको, ये एक्स वाई जो होगा वो जो तुमको दिया हुआ है ए डैश बी डैश, तो कितना है, 3 गुना है, 3 टाइम्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1:3 यानी कि उसको आई दैट इज 1:3 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी का 5 यूनिट दिया हुआ है, फिर तुमसे पूछ रहा है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा, ए बी इंटू 5 हो जाएगा, है ना, ए बी इंटू सॉरी ए बी इंटू 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स हो रहा है, तो 5 इंटू 3, तो यानी ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 15 यूनिट आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाले में तुम्हारे पास बी सी नहीं है, लेकिन यहां पे तुम्हारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि बी डैश सी डैश कितना है, 18 है। अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस साइड वापस जाएंगे ओरिजिनल में, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो बी सी क्या हो जाएगा, 1/3 बी डैश सी डैश हो जाएगा, यानी 1/3 इंटू 18 करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 6 कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 6 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सॉरी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में तुमको ऑलरेडी एसी की वैल्यू दी हुई है, और वो एसी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 यूनिट्स। तुमसे पूछा है ए डैश सी डैश की, तो ए डैश सी डैश कितना हो जाएगा, 3 × AC हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 3 जा यानी कि 6 यूनिट आ जाएगा। इसके बाद कौन सा है, ओ ए, फोर्थ वाला है, ओ ए की वैल्यू दी हुई है दैट इज इक्वल टू 7 यूनिट। अब देखो 3 गुना होना है ना इसको, तो ओ ए अगर 7 यूनिट है तो 1:3 पे, तो डायरेक्टली हम बिना वैसे लिखे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो ए डैश कितना हो जाएगा, 7 × 3 यानी कि 21 यूनिट। फिर फिफ्थ है, फिफ्थ वाले में तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ओ सी डैश इज इक्वल टू 39 यूनिट। अब ये पहले से तुमको दिया हुआ है, और ओ सी ओरिजिनल निकालना है तुमको, तो जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके आया, तो इधर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/3 ऑफ 39 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 13 यूनिट। अब इसके बाद है 6, और लास्ट इसमें ओ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एम यूनिट दी हुई है, एम बिलोंग्स टू आर, ठीक है, रैशनल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, अब यहां पे तुमको क्या बताना है, ओ बी डैश कितना होगा, तो ओ बी डैश क्या हो जाएगा, 3 × m हो जाएगा, यानी 3m हो जाएगा, यहां पे जाग दोगे कि वेयर m बिलोंग्स टू r, ठीक, जैसा उसने पहले लिखा। अब उसके बाद सेकंड वाला बात करते हैं, सेकंड पार्ट में इसमें क्या कहा है कि डिटरमाइन करना है हमको रेशियो। ठीक है, तो रेशियो डिटरमाइन करना है, 1:3 है ही, सबका रेशियो 3:1 ही आएगा, 1:3 या 3:1 आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे यहां पे एक एक का। सबसे पहला है ए वाला, ओ ए डैश अपॉन ओ ए, तो ओ ए का वैल्यू कितना है, ओ ए डैश का 21, ओ ए का वैल्यू कितना है, 7, कितना आ गया, 3/1। फिर बी वाला पार्ट देखते हैं, ओ बी डैश अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी डैश कितना है, 3m अपॉन में m, कितना आ जाएगा, 3:1 ये भी आएगा। फिर सी वाला देखिए, ओ सी डैश ओ सी, और कितना आएगा, ओ सी डैश कितना है, 39 अपॉन में ओ सी कितना है आपका, 13, तो ये भी कितना आ गया, रिड्यूस होके 3/1 आ गया, ए बी सी। अब डी वाला पार्ट देखते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ए डैश बी डैश कितना है, 15 यूनिट, ए बी 3/1।
अब ई वाला देखो, बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी, तो बी डैश सी डैश की वैल्यू कितनी है 18 और बी सी की वैल्यू 6 है, तो अगेन ये भी 3:1 आया। इसको हम चाहते तो डायरेक्टली लिख सकते थे क्योंकि सारे के सारे साइड क्या है 1:3 पे हैं, 3 गुना हो रहा है तो सारा रेशियो सेम का सेम आता, लेकिन फिर भी हमने वैल्यू रख के कर दिया। वैसे भी आप करोगे तो गलत नहीं होना चाहिए। सी डैश ए डैश की वैल्यू अब यहाँ पे दी हुई है तुमको 6/2 यानी कि 3/1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ट्रायंगल है एबीसी और उसके पास वर्टिसेस हैं 1.1, 1.3 और 3.1 रिस्पेक्टिवली। एनलार्ज करना है इस ट्रायंगल को बाय यूजिंग ए स्केल फैक्टर ऑफ 2 विद द ओरिजिन एज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। ओरिजिन जो है वो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होना चाहिए। तो अभी देखो एक चीज, अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे ना इस पे ग्राफ पे, तो ये मुमकिन नहीं है कि ग्राफ पे जो है कि हमारा इनलार्ज हो जाए, ठीक है। तो ग्राफ पे ही से ओ एक सेंटर ले लेंगे ओरिजिन, उसी से करके दिखाते हैं आपको, वरना ये ओरिजिन अगर वो जहाँ पे एक्स और वाई जो है एक्सिस मिलता है वो ओरिजिन से करोगे तो ये मुमकिन नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं तो सबसे पहला वाला फोर्थ में कोऑर्डिनेट क्या है 1.1, तो ये 1.1 हमने कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है 1.3, ये भी हो गया। अब इसके बाद कौन है 3.1, ये हो गया। अब देखो ये जो ट्रायंगल बन रही है ना, इस ट्रायंगल में आप खुद ही देखो कि ये जो 1.1 हुआ है, 3.1 और 1.3 जो हुआ है, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो ओरिजिन से कैसे हो पाएगा, है ना। अगर ओरिजिन से करना चाहें हो जा रहा है यार, हो जाएगा। मुझे लगा उस साइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1.1 है, यहाँ पे 3.1 था और यहाँ पे 1.3 था। तो जल्दी से इसके कोऑर्डिनेट पहले निकाल लो, जैसे कि यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना ए है बी है सी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1.1 है, बी का कितना है 1.3 है और सी का 3.1 है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, हमको फैक्टर 2 यूज करना है, तो इनलार्जमेंट कितना हो जाएगा तब, इनलार्जमेंट ऑफ स्केल फैक्टर इज 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एक्स वाई है दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.2, फिर b1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2.1 जा 2 और 2.3 जा 6 और c1 की क्या हो जाएगी वैल्यू 2.3 जा 6 2.1 जा 2 हो जाएगी, ठीक है। ग्राफ में एडजस्ट हो जा रहा है, मुझे लगा एडजस्ट नहीं होगा, ओरिजिन से हम कन्फ्यूज थे, लेकिन अब हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे a1 लगाते हैं, ये तो देखो तुम्हारा a था और उसके बाद ये तुम्हारा b था और ये तुम्हारा c था, तो ये ट्रायंगल है ना, तो क्या करते हैं हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। हमने इस ट्रायंगल को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे इसका एनलार्जमेंट करें 2.2, तो 2.2 पहला ये आएगा, ये हो गया हमारा a1। इसके बाद 2.6 ये हो गया हमारा b1 और फिर c1 क्या है, c1 है 6.2 ये आ गया हमारा ये, तो ये हो गया हमारा एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर 2 के साथ। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में कम ही आते हैं और आएगा तो पेपर वगैरह सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो ये एनलार्जमेंट हो जा रहा है आपका ओरिजिन से, ठीक है। इसको बनाना हो तो इसको तो ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहिए था। तो ये बन गया आपका डायग्राम, ठीक है। ये a1 b1 और ये c1 और ये a है बी है और ये सी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस बीइंग गिवन
Enlarge the given figure by using the given scale factor for each question. You may use a grid. हर एक क्वेश्चन के लिए आप एक ग्रिड यूज कर सकते हो. कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वर्टिसेस का, स्केल फैक्टर दिया हुआ है, सेंटर फॉर इनलार्जमेंट ओरिजिन है, ओरिजिन है. अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस तुमको बनाने के लिए बोला है नहीं है ग्राफ, ठीक है, बनाने के लिए नहीं बोला है आपको. आपको बस क्या करना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एनलार्ज द गिवन फिगर बाय यूजिंग द गिवन स्केल फैक्टर. अच्छा इनलार्ज करना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम ओरिजिन वाला दोनों नहीं बनाने वाले हैं. ओरिजिन वाला इससे पहले भी हम लोगों ने इनलार्जमेंट किया हुआ है, तो ओरिजिन का ऐसे ही कर देते हैं हम. देखो यहाँ पे करते चलो, वन बाय वन समझाते हैं हम. कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस कितने दिए हुए हैं, पी दिया हुआ है तुम्हारा 1,2, क्यू की वैल्यू दी हुई है 2,2, आर की वैल्यू दी हुई है 2,1, और स्केल फैक्टर कितना दिया हुआ है, स्केल फैक्टर दिया हुआ है दैट इज 1:4, ठीक है. और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है, इज ओरिजिन. ओरिजिन क्या होता है, 0,0. अब यहाँ पे देयर फोर एक्स वाई किस में कन्वर्ट होगा, हो जाएगा तुम्हारा 4x 4y में, ठीक है, चार गुना कर देंगे. तो देयर फोर कोऑर्डिनेट ऑफ एनलार्ज्ड फिगर विल बी, एनलार्ज होगा जब फिगर तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो p है ना, तो p डैश कर देते हैं, 4×1=4,4×2=8, q तो उसके लिए भी 4 से मल्टीप्लाई, 4×2=8,8, फिर उसके बाद q डैश है ये, फिर r डैश, r डैश के लिए कितना हो जाएगा, 4×2=8 और 4×1=4 आ जाएगा. अब a के बाद b वाला देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर कितना दिया हुआ है, ए 0,0, बी दिया हुआ है 6,4, और बी दिया हुआ है तुम्हारा 0,0 के बाद 3,2 है, 3,2 है, और फिर उसके बाद सी है तुम्हारा 4,0. अब यहाँ पे भी स्केल फैक्टर, लेकिन यहाँ पे 2 है, स्केल फैक्टर कितना है यहाँ पे, 1:2 है, तो देयर फोर कितना हो जाएगा, एक्स वाई यानी कि 2x 2y हो जाएगा, ठीक है. एब्सिस ऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे, तो देयर फोर कोऑर्डिनेट यहाँ क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनलार्ज्ड फिगर कितना हो जाएगा, a डैश. अब देखो a डैश कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 और 0 ही आएगा. फिर b डैश कितना आ जाएगा, 2×3=6, 2×2=4 आ जाएगा. फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे c वाले को, तो c डैश का कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेट, 2×4=8, 8,20=0 हो जाएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखते हैं. अब सी पार्ट में कोऑर्डिनेट फिगर का दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ फिगर कितना दिया हुआ है, ए का 5,5, बी का 5,7, सी का 7,7, और डी का कितना आ जाएगा, 7,5, ठीक है. और एनलार्जमेंट फैक्टर दिया हुआ है दैट इज 1:4 दिया हुआ है, चार गुना होना है. तो देयर फोर क्या हो जाएगा, जो एक्स वाई है वो 4x 4y हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा x और y 4 से,
और एनलार्जमेंट पॉइंट यहाँ पे एक अलग सा दिया हुआ है, एनलार्जमेंट पॉइंट जो दिया हुआ है जहाँ से इनलार्ज करना है, दैट इज 6.6 दिया हुआ है। तो पहले तो देयर फोर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, विल बी, ओ भाई साहब इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि 6.6 से जो है 4 गुना होना चाहिए, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तभी मेरे पास क्या आ पाएगा, कोऑर्डिनेट आ पाएगा। तो पहले देखो ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद ही हम कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे, कैसे निकलेगा वो भी हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ओरिजिनल लगाइए, 5.5, 5.5 ये हो गया। फिर सेकेंड वाला ये किसका है, ए का, बी का है 5.7, 5.7 ये बी हो गया। फिर इसके बाद सी का क्या है, 7.7, 7.7 सी का हो गया। उसके बाद डी क्या है आपके पास, डी 7.5 है, 7.5 ये रहा आपके पास डी। अब यहाँ देखो 6.6 सेंटर है, तो ये रहा मेरे पास सेंटर। अब इनलार्जमेंट फैक्टर कितना है, 4 है, ठीक है, तो यहाँ से ये पीछे को जाएगा 4, ये भी पीछे को जाएगा 4, और ये इधर से भी पीछे 4, और इधर से भी इनलार्ज होगा 4, ठीक है, इनलार्ज करें। तो चलिए हम लोग इसको इनलार्ज करते हैं, तो 7 पे है, ठीक है, तो यहाँ पे इनलार्ज करेंगे जब, तो दोनों ही तरफ से करते हैं, बाद में हम देख लेंगे कोऑर्डिनेट कहाँ पे रोकना है, हम पहले थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं, ये मैंने ऐसे डॉटेड लाइन बना दी, ठीक है, एनलार्जमेंट के लिए यही करना होगा। और इधर इसके लिए भी क्या करो, ये तीनों ये पॉइंट जो है मीट करा दो, इसको भी कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 4 जाना है ना, तो इनलार्जमेंट एक है तो 4 और जाना है, एक कितना हुआ, 1 2 3 4 कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाना चाहिए तुम्हारा, तुम्हारा ए बी सी डी, एक कोऑर्डिनेट तुमको यहाँ मिला, कितना मिला ये देखो, 2.10 मिला है, ठीक है, नीचे से 2 पे 10, तो ये मिला तुमको एक 2.10 मिल गया। फिर इसको भी पीछे करेंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा ये देखो आ रहा है, सी का इनलार्जमेंट हुआ है ना 1:1:4, तो यहाँ पे कितना आ रहा है ये कोऑर्डिनेट देखो, इधर पे वाई तुम्हारी 10 है और एक्स भी तुम्हारा 10 है, कितना आ गया, 10.10 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे की तरफ आ जाओ, तो ये 1 और 4, तो 1 2 3 और 4 यहाँ आ गया, ये कितना आया तुम्हारा, 2.2 आ गया, इसको भी इनलार्ज करो, 1 है तो 1 2 3 4 है ना, 1:4 के रेशियो में होना चाहिए। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया तुम्हारा डी का, ये 10.2 आ गया, 10.2 आ गया, देखो ये हुआ इसका एनलार्जमेंट। अब देखो इजी नहीं थे ना इसके कोऑर्डिनेट लिखना, इसको हम बिना बनाए इसका कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते थे, इसीलिए हमने इसको जो है बना के आपको दिखाया। अब यहां पे ये किसका है, ये तुम्हारा बी डैश का है, ये सी डैश है, ये तुम्हारा डी डैश है, और ये तुम्हारा ए डैश है। अब सारे कोऑर्डिनेट आपके सामने मौजूद हैं, तो आप यहीं से बस डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट यही आएंगे आपके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका एक और पार्ट है ना डी, फिफ्थ का डी, फिफ्थ के डी में कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ऑफ फिगर आर ए 5.4, और एक नट ए के बाद क्या है, एक्स दिया हुआ है, ए एक्स वाई जेड है,
ए के बाद एक्स है, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 5.8, उसके बाद एक्स के बाद वाई दिया है, वाई का कोऑर्डिनेट है 7.8, और फिर जेड भी है, जेड के कोऑर्डिनेट क्या है 7.4 है। ठीक है, अब यहाँ पे एनलार्जमेंट फैक्टर कितना है, यहाँ पे तुम्हारा ना एनलार्जमेंट फैक्टर कितना है 1:2 है, ट्वाइस करना है। और लेकिन इसमें भी खास बात यह है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो दिया हुआ है यही थोड़ा सा टिपिकल है, दैट इज 6.6, यानी इसको भी पहले ड्रॉ करेंगे तभी हम निकाल पाएंगे। तो ड्रॉ करते हैं फिर जो है हम निकालेंगे। तो ग्राफ में देखो, ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ में सबसे पहले लगाते हैं 5.4, ये हो गया हमारा ए, इसके बाद 5.8, 5.8 ये हो गया हमारा बी, फिर थर्ड वाला है 7.8, 7.8 ये हो गया हमारा सी। फिर से देखो मैंने गलती की ना, ए बी सी डी नहीं दिया है इसमें, इसमें क्या दिया है, ए के बाद वैल्यू दी है एक्स वाई और इसके बाद जेड 7.4, ये रहा तुम्हारे पास जेड। अब इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या है भाई, 6.6 ये रहा, और ये 1:2 जस्ट डबल होंगे। ठीक है, डबल होंगे तो यानी कि ये जो पॉइंट आ रहे हैं, जस्ट ये दो और पीछे हो जाएंगे बस। ठीक है, क्या हो जाएगा, दो ये पीछे हो जाएगा और वैसे ही ये भी बस दो दो पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ए है ना, तो ये एक, एक के लिए दो है तो दूसरे के लिए चार, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ आएगा, फिर जेड यानी कि ये दो यूनिट का एक है तो जस्ट इसका डबल कर देंगे ना, 1:2 का रेशियो, यानी दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा, इसके लिए एक और दो, दो यूनिट है तो दो और कर देंगे ना, 1:1, 1:2 का रेशियो आना चाहिए, यानी ये यहाँ आएगा और फिर इसका कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, यहाँ। पॉइंट आउट करो तो यहाँ पे देखो ए डैश कितना आ गया, 4.2, ए डैश कितना आ गया 4.2 आ गया। फिर उसके बाद एक्स डैश, एक्स डैश कितना आ रहा है यहाँ पे, ये कितना है 4.10, कितना आ रहा 4.10, ये कौन आ रहा है, एक्स डैश आ रहा है। इसके बाद वाई का, वाई का कितना आया यहाँ पे देखो नीचे 8.10, 8.10 आ गया वाई डैश का। ठीक है, वाई डैश का 8.10 आ गया। और फिर सबसे लास्ट वाला जेड है, जेड का कितना आ रहा है देखो 8.2, 8.2 आ गया जेड डैश का। तब आपके पास ए डैश, एक्स डैश, वाई जेड, वाई डैश और जेड डैश का वैल्यू आपके पास मिल गया, इन सारे कोऑर्डिनेट्स को आप आंसर में लिख दोगे। अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जो है आपको फर्दर वीडियोस जो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।